कौन बिजनेस। एक गांव में रघुराम नाम का एक किसान रहता था। उसकी बीवी राधा और बेटी भूमि एक साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। रघुराम अपने खेतों में मकई उगाता था। वो उस कमाई हुई फसल को अपने दोस्त राम के द्वारा बाजार में बेचा करता था। राम बहुत लालची किस्म का आदमी था। एक दिन वो रघुराम के खेत पहुंचा और रघुराम से कहने लगा, अरे रघुराम कैसे हो? सब प्रभु की लीला है, अगर तुम ना हो तो मेरी मकई कौन बेचता? सही दामों में इतना अच्छा, सब तुम्हारे कारण है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी मकई इतनी अच्छी और मीठी है कि सभी को पसंद आती है। अच्छा चलो मुझे 5 बोरी मकई दे दो। इस तरह रोज का काम था। रघुराम मकई उगाता था और राम उसे बाजार में बेच देता था। उस तरह आधे आधे पैसे बांट लेते थे। राम के मन में लालच आ जाती है, अगर मैं मकई कम दामों में बेच दूं, तो मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। रघुराम को कुछ पता भी नहीं है कि कितने में बेच रहा हूं। रघुराम को राम पर पूरा भरोसा था, पर फिर भी उसने राम से पूछा, भैया आजकल मकई का दाम इतना कम क्यों हो गया है? कोई लाभ नहीं आ रहा? हाँ भैया, बाजार के दाम पता नहीं है ना, आजकल मकई का दाम गिर गया है, कोई मकई खरीदने को आ ही नहीं रहा है। वह तो आप हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ दाम बेचकर पैसे लाता हूँ। ये कहकर वो वहां से होशियारी से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद राम फोन पर बात करता है, मैं जो भी कहूँ ये इतना मूर्ख है कि मान लेता है। यही सारी बातें दूर खड़ी रघुराम की बेटी सुन लेती है और भाग कर अपने पिता से सारी बात बता देती है। सारी बात सुनकर रघुराम कहता है, मैं राम को एक अच्छा इंसान समझ रहा था, इतना चालाक निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। आप परेशान मत होइए पिताजी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, हम दोनों मिलकर ये काम संभाल लेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति की हमें जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। भूमि सोच में पड़ गई कि मकई को बेचने के अलावा हम उससे और क्या कर सकते हैं। वो अपने पिताजी के खेत जाकर सारी फसल की जानकारी लेती है। भूमि मकई की बोरियों को खुद बेचने लगती है। ये देख रघुराम खुश हो जाता है। और तो और भूमि शहर जाकर मकई से बने तरह तरह के पकवान भी सीख लेती है। मकई से समोसे, पिज्जा, चिप्स, फ्राइड राइस, इस तरह के अलग अलग तरीकों में मकई को बेचने लगती है। शहर में ही नहीं अपने गांव में भी भूमि मशहूर हो जाती है। कुछ दिन बाद भूमि अपने पिता से कहती है, पिताजी मैं अपने मकई के पकवान अब ऑनलाइन रखना चाहती हूँ, अगर आप चाहे तो। जैसी तुम्हारी इच्छा बिटिया, वो तुम करो, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो मुझे बताना। भूमि ने गांव में कुछ पैम्पलेट बांट दिए, ये कहकर कि ऑनलाइन डिलीवरी भी मिलेगी, इस नंबर पर संपर्क करें। कुछ ही दिन में भूमि को फोन आने लगे, मकई फ्राइड राइस मिलेगा, समोसा मिलेगा। भूमि का डिलीवरी का बिजनेस भी अब सही तरीके से चल पड़ा था और इस तरह से भूमि का मकई का बिजनेस अब अच्छा हो गया था। तो देखा बच्चों, कोई भी काम अगर मेहनत और लगन से किया जाए तो उसका फल अच्छा ही होता है। मन में विश्वास होना चाहिए।